नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ख्याति सेठी। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरे यानी ख्याति सेठी के साथ कहानियों का पिटारा पॉडकास्ट, और आज हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका शीर्षक है नारद की समस्या। तो चलिए सुनते हैं। नारद की समस्या। एक बार देव ऋषि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने नारायण नारायण का जप करते हुए उपस्थित हुए और पूज्य पिताजी को दंडवत प्रणाम किया। नारद जी को सामने देख ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद, आज कैसे आना हुआ? तुम्हारे मुख के भाव कुछ कह रहे हैं। कोई विशेष प्रयोजन है अथवा कोई नई समस्या? नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, पिताश्री, ऐसा कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है, परंतु कई दिनों से एक प्रश्न मन में खटक रहा है। आज आपसे इसका उत्तर जानने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो फिर विलंब कैसा? मन की शंकाओं का समाधान शीघ्रता से कर लेना ही ठीक रहता है, इसलिए निसंकोच अपना प्रश्न पूछो, ब्रह्मा जी ने कहा। पिताश्री, आप सारी सृष्टि के परम पिता हैं। देवता और दानव आपकी ही संतान है। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं, तो शक्ति तथा तप चरण में दानव श्रेष्ठ हैं। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा हुआ हूँ कि इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है, और आपने देवों को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में जगह दी, ऐसा क्यों? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारद ने ब्रह्मा जी से अपना प्रश्न बताते हुए कहा। नारद का प्रश्न सुन ब्रह्मदेव बोले, नारद, इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है, और इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देव और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं, और अपने ही दोनों पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम आज ही देवों और दानवों दोनों को मेरी ओर से भोजन का निमंत्रण भेजो। कल ही हम उनके लिए भोज का आयोजन करेंगे, और कल ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न कि देव क्यों स्वर्ग लोक में है तथा दानव पाताल लोक में है का उत्तर भी मिल जाएगा। नारद तत्काल ही दानवों और देवों को निमंत्रण दे आए। दूसरे दिन दानव ब्रह्मलोक में भोजन का आनंद लेने के लिए पहुंच गए, और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए ब्रह्मा जी से आग्रह किया। भोजन की थालियां परोसी गई, दानव भोजन करने के लिए बैठे। वे भोजन शुरू करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए, और उन्होंने कहा, आज के भोजन की एक छोटी सी शर्त है। मैं यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि के दोनों हाथों में इस प्रकार से लकड़ी बांधूंगा कि वो कोहनी से मुड़ नहीं पाए, और इसी स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। कुछ देर बाद सभी दानवों के हाथों में लकड़ियां बंध चुकी थी। अब दानवों ने खाना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे खा सकता था? कोई दानव सीधे थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा, तो कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयत्न करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति देखकर नारद जी अपनी हंसी ना रोक पाए। अपने सारे प्रयास विफल होते देख दानव बिना खाए ही उठ गए और क्रोधित होते हुए बोले, हमारी यही दशा करनी थी तो हमें भोजन पर बुलाया ही क्यों? कुछ देर पश्चात देव भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, और ऐसी ही लकड़ियाँ उनके हाथों में भी बांधिएगा, ताकि हम भी उनकी दुर्दशा का आनंद ले सकें। कुछ देर पश्चात देव भी वहाँ पहुँच गए, और अब देव भोजन के लिए बैठे।
देवों के भोजन मंत्र पढ़ते ही ब्रह्मा जी ने सभी के हाथों में लकड़ियां बांधी और भोजन की शर्त भी रखी। हाथों में लकड़ियां बंधने पर भी देव शांत रहे। वे समझ चुके थे कि खुद अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं है, अतः वह थोड़ा आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठा सामने वाले को खिलाकर भोजन आरंभ किया। बड़े ही स्नेह के साथ वह एक दूसरे को खिला रहे थे और भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने भोजन का भरपूर स्वाद लिया, साथ ही दूसरों के प्रति अपना स्नेह और सम्मान जाहिर किया। ये कल्पना हमें क्यों नहीं सूझी? इस विचार के साथ दानव बहुत दुखी होने लगे। नारद जी ये देखकर मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री आपकी लीला अगाध है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है, ये आपने सप्रमाण दिखा दिया और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। ब्रह्मा जी को सबने प्रणाम किया और वहां से विदा ली। दोस्तों, हमें ये जीवन सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं मिला है। यदि हम इसका उपयोग परोपकार के कार्यों के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसी जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि हम दूसरों को प्यार और स्नेह देंगे तो बदले में हमें भी वही मिलेगा। यदि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारे समाज के लिए एक छोटा सा योगदान भी दे सकें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बराबर है। दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। कहानियों का पिटारा पॉडकास्ट सुनने के लिए आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कोई सीख मिली तो कहानी को लाइक और शेयर कर दें और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए कहानियों का पिटारा पॉडकास्ट को फॉलो कर लें। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। स्टे सेफ एंड टेक केयर।